हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सबका एक बार फिर से चैनल में। दोस्तों, इस सीरीज में हम रिवीजन कर रहे हैं और इस पे हम रसायन विज्ञान तक पहुंच चुके हैं। रसायन विज्ञान को इस टॉपिक के माध्यम से हम कवर करने वाले हैं इस वीडियो से। इसमें आपकी पूरी केमिस्ट्री, जो आपके फैक्ट्स आते हैं, इंपॉर्टेंट जो फैक्ट्स होते हैं, उन्हें हम कवर करने वाले हैं। बाकी आपको इसी में पॉलिटी मिल जाएगी, आपकी हिस्ट्री मिल जाएगी, ज्योग्राफी मैंने आपको यहाँ करा दी, वर्ल्ड और इंडियन जोन दोनों करवा दी गई है तो आप उन्हें भी देख सकते हैं। फिजिक्स भी आपकी यहाँ पर कंप्लीट करा दी गई है। जितने भी देखिए आपके UPPSS, चाहे आपका प्रीलिम्स हो या आपका RO, उनमें आप देखिए प्रीवियस ईयर क्वेश्चन उठा लीजिए और इस इन्हीं वीडियो से आप मिला लेंगे तो आपके देखिए जितने भी फैक्ट्स आते हैं तो आपके काफी अच्छे खासे उसमें क्वेश्चन आपको इसी इन्हीं वीडियो से देखने को मिल जाएंगे। आप इनका अच्छे से रिवीजन कर लेंगे तो आप उन्हें आराम से सॉल्व कर लेंगे। तो चलिए दोस्तों, हम केमिस्ट्री के देख लेते हैं इंपॉर्टेंट फैक्ट्स, जो आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण होने वाले हैं। ठीक है, तो हम इसे अब कवर कर रहे हैं। एक सेकेंड, तो यहाँ पर देखिए रसायन विज्ञान हम देख रहे हैं। तो देखिए रसायन विज्ञान केमिस्ट्री शब्द का उत्पत्ति कहाँ से होती है, तो इजिप्ट शब्द के कीमिया शब्द से होती है। ठीक है, और इस कीमिया का अर्थ क्या है, तो काला रंग है, जिसे हम केमिटेकिंग इसके अध्ययन को कहा जाता है। ठीक है, अब देखिए रासायनिक संगठन के आधार पर जो द्रव्य होता है, यानी आपको जो मैटर होता है, मैटर को तीन प्रकार में आपके बांटते हैं, तत्व, यौगिक और मिश्रण। ठीक है, एलिमेंट, कंपाउंड और मिश्रण। ठीक है, ये चीज आपको ध्यान देना है। अब देखिए तत्व की बात कर लेते हैं। एलिमेंट क्या है, तो देखिए द्रव्य की वह है अवस्था जिसमें सभी परमाणुओं का परमाणु क्रमांक समान होता है, अर्थात एक ही प्रकार के परमाणु से बने पदार्थ तत्व कहलाते हैं। तत्व देखिए आपके तत्व द्रव्य जो होते हैं, यानी द्रव्य के अंदर देखिए तत्व आता है। तत्व में जो आपके देखिए तीन अवस्थाएं पाई जाती हैं, ठोस, द्रव, गैस। ठोस जैसे कि आप सोडियम कार्बन देखते हैं, द्रव में आपका पारा हो गया, गैलियम हो गया और आपका ब्रोमीन हो गया। गैस में आपके हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, आर्गन, ये सब गैस होती है। अब देखिए यौगिक की बात कर ले, तो यौगिक क्या है, ये देखिए शुद्ध पदार्थ होते हैं जो एक से अधिक तत्वों के परमाणुओं के एक निश्चित अनुपात में रासायनिक संयोग से बने होते हैं। जैसे आपको H2, यानी इसमें ध्यान दीजिएगा निश्चित मात्रा में चीजें मिली होती है, H2O हो गया या CO2 हो गया, ये चीज आपको ध्यान देना है। अब देखिए मिश्रण की बात करें, तो ये भी देखिए दो या दो से अधिक पदार्थ जैसे तत्व या यौगिक दोनों के अनिश्चित अनुपात, ये ध्यान दीजिएगा, ये अनिश्चित अनुपात में मिलने से बनते हैं। जैसे कि आप देखते हैं वायु, जिनमें गैस और धूल कण का मिश्रण होता है, आपका पीतल हो गया, तांबा हो गया, जस्ता, ये भी मिश्रण होते हैं और सभी समांगी मिश्रण विलयन होते हैं, चीज आपको ध्यान देना। अब देखिए यहाँ पर मिश्रण के मिक्सचर के प्रकार देखें तो एक समांगी मिश्रण होता है, एक आपका विषमांगी होता है। समांगी मिश्रण क्या है, जिसे हम होमोजीनियस कहते हैं, और वो विषमांगी क्या होता है, हेट्रोजीनियस। होमोजीनियस में देखिए इसके प्रत्येक भाग में उसके अवयवी पदार्थों का संगठन एवं गुण एक समान होता है। ठीक है, ये चीज आपको ध्यान देना है। और हेट्रोजीनियस में क्या होता है, इसमें प्रत्येक भाग में उसके अवयवी पदार्थों का संगठन एवं गुण एक समान नहीं होता। ठीक है, ये चीज आपको ध्यान देना है। समांगी मिश्रण में जैसे कि आप देखते हैं इन्हें हम अलग नहीं कर सकते हैं। जैसे आप पानी मिलाएंगे, पानी में आप शक्कर मिला देंगे, शक्कर उसमें घुल जाएगी तो आप उसे अलग नहीं कर सकते हैं। ठीक है, लेकिन यही पानी में आप नमक मिला दीजिए तो देखिए नमक घुल तो जाएगा, लेकिन यदि आप इसे दोबारा गर्म करेंगे तो आपका नमक अलग हो जाता है। ठीक है, ऐसे ही आप पानी में कंकड़ डालेंगे तो पानी कंकड़ अलग ही रहेंगे। ठीक है, तो ये चीज आपको ध्यान देना है। ये समांगी मिश्रण का एग्जाम्पल, ये आपको विषमांगी मिश्रण का। अब देखिए विलयन की बात करें, तो दो या दो से अधिक पदार्थों के ऐसे समांगी मिश्रण जिनका कोई निश्चित संगठन नहीं होता है, अर्थात पदार्थों की मात्राओं का कोई निश्चित अनुपात नहीं होता, तो वो क्या कहलाते हैं, तो आपके वो विलयन कहलाते हैं। ठीक है, अब ध्यान दीजिएगा विलयन में जो पदार्थ सर्वाधिक मात्रा में होता है उसे विलायक कहते हैं, और जो कम मात्रा में होता है उसे विलेय कहते हैं। तो साधारण से याद करने का तरीका है, जो देखिए सर्वाधिक मात्रा में विलायक, यानी देखिए नाम भी बड़ा है विलायक, अब विलेय क्या होता है, जो कम होता है, तो विलेय विलेय। अब विलयन, विलायक और विलेय के दोनों को मिलाकर ही आपका विलयन बनता है, ये चीज आपको ध्यान देना है। अब देखिए स्थायी मूलकण, अस्थायी मूलकण, तो स्थायी मूलकण कौन कौन से होते हैं, तो आपका इलेक्ट्रॉन हो गया या प्रोटॉन हो गया, न्यूट्रॉन हो गया, और स्थायी मूलकण कौन से होते हैं, तो मेसान का न्यूट्रिनो, पॉजिट्रॉन, एंटी यूट्रिनो। ठीक है, अब देखिए परमाणु क्रमांक की बात करें, तो किसी तत्व के परमाणु के नाभिक में उपस्थित प्रोटॉनों की संख्या उस तत्व के परमाणु क्रमांक के बराबर होती है, ये चीज आपको ध्यान देना है। इसे जेड से प्रदर्शित करते हैं। तो परमाणु क्रमांक क्या होता है, तो किसी भी तत्व के परमाणु के नाभिक में उपस्थित जो प्रोटॉन होते हैं उनकी संख्या उस तत्व का परमाणु क्रमांक कहलाती है। ठीक है, द्रव्यमान संख्या की बात करें, तो किसी तत्व के परमाणु के नाभिक में उपस्थित प्रोटॉनों या न्यूट्रॉनों की संख्या का योग जो है द्रव्यमान संख्या कहलाती है, इसे हम ए से प्रदर्शित करते हैं। तो ए इक्वल क्या होता है, न्यूट्रॉन प्लस आपका प्रोटॉन। ठीक है, ये चीज आपको ध्यान देना है।
और प्रोटॉनों की संख्या क्या कहलाती है, तो ध्यान दीजिएगा इसे क्या कहते हैं हम, तो एटॉमिक नंबर कहते हैं। अब देखिए समस्थानिक की बात करें, आइसोटॉप्स, तो आइसोटॉप्स क्या होते हैं, तो एक ही तत्व के परमाणु जिनके परमाणु संख्या तो समान होते हैं लेकिन इनकी द्रव्यमान संख्या भिन्न होती है। जैसे 1H1 है, हाइड्रोजन के देखिए तीन समस्थानिक होते हैं, प्रोटियम, ड्यूटीरियम और ट्राइटियम, ध्यान दीजिएगा। ठीक है, ट्राइटियम देखिए यह एक समस्थानिक है जो कि रेडियोधर्मी गुण प्रदर्शित करता है, ये चीज भी आपको ध्यान देना है। अब देखिए संभारी की बात करें, तो संभारी क्या होता है, एक सेकेंड यहाँ पर हम कलर थोड़ा चेंज कर लेते हैं, लाल ही करते हैं ज्यादा सही है। अब देखिए संभारी की बात करें, तो संभारी जिसे हम आइसोबार भी कहते हैं, तो किसी तत्व के ऐसे परमाणु जिनकी परमाणु संख्या भिन्न है, परमाणु संख्या तो भिन्न होती है लेकिन जो द्रव्यमान संख्या होती है ये समान होती है, तो इसे हम संभारी परमाणु कहते हैं। ठीक है, प्रकृति में पाए जाने वाले तत्व तो जो स्वतः विखंडित होकर कुछ अदृश्य किरणों का उत्सर्जन करते हैं उन्हें हम रेडियो एक्टिव तत्व तो कहते हैं। ठीक है, रेडियो सक्रियता की खोज किसने की थी, तो हेनरी बैकरल ने की थी, ये चीज आपको ध्यान देना है, इंपॉर्टेंट है। 1900 में मैडम क्यूरी और उनके पति थे पियरे क्यूरी, इन दोनों ने पता लगाया कि यूरेनियम का जो खनिज है पिंच ब्लेंड में 4 गुना अधिक रेडियो सक्रियता उपलब्ध होती है। ठीक है, इसके लिए इन्हें नोबेल पुरस्कार भी मिला था। रेडियम एक जो है रेडियो सक्रिय तत्व की खोज किसने की थी, तो मैडम क्यूरी और पियरे क्यूरी ने की थी, ये चीज भी आपको ध्यान देना है। रेडियम की खोज मैडम क्यूरी और पियरे क्यूरी ने की थी। अब देखिए नाभिकीय ऊर्जा की बात करें, तो किसी रेडियो एक्टिव तत्व के नाभिक में होने वाले परिवर्तन के दौरान नाभिक के द्रव्यमान में होने वाली क्षति का ऊर्जा में परिवर्तन ही आपका नाभिकीय ऊर्जा कहलाता है, ये चीज आपको ध्यान देना है, न्यूक्लियर एनर्जी। अब देखिए नाभिकीय ऊर्जा के स्रोत की बात करें, तो एक देखिए नाभिकीय विखंडन होता है और आपका एक नाभिकीय संलयन होता है, एक को हम न्यूक्लियर फ्यूजन कहते हैं और एक को न्यूक्लियर फ्यूजन कहते हैं, ये चीज आपको ध्यान देना है। अब देखिए न्यूक्लियर फ्यूजन यानी विखंडन की बात करें, तो एक बड़ा परमाणु होता है जो दो या दो से अधिक छोटे छोटे परमाणुओं में टूटता है, तो इसे विखंडन कहते हैं, नाम से ही पता चले विखंडन यानी खंड होना टूटना। नाभिकीय विखंडन में क्या होता है, एक बड़ा सा परमाणु होता है जो दो छोटे छोटे परमाणुओं में या दो से अधिक परमाणुओं में टूट जाता है, और ये विखंडन प्रक्रिया ध्यान दीजिएगा ये सामान्य रूप से प्रकृति में घटित नहीं होती है। ठीक है, बल्कि इसे हम केमिकली लैब वगैरह में करवाते हैं। ठीक है, बड़े बड़े जो आप देखते हैं नाभिकीय संयंत्र लगे रहते हैं वहां ये चीजें होती हैं। ठीक है, अभी देखिए इन्हें परमाणुओं को विखंडित करने में ऊर्जा काफी ज्यादा लगती है। ठीक है, विखंडन द्वारा जो प्राप्त ऊर्जा होती है रासायनिक विद्युत द्वारा उत्पन्न ऊर्जा की तुलना में 1 लाख गुना भी अधिक ताकतवर होती है, यानी ऊर्जा उसमें अधिक होती है। उदाहरण जैसे आप एटॉमिक बम देखते हैं। ठीक है, नाभिकीय संलयन की बात कर लेते हैं, तो दो हल्के परमाणु जो होते हैं संलयन यानी मिलना, दो या दो से अधिक देखिए परमाणुओं का एक भारी परमाणु नाभिक में संलयन जब होता है तो इसे हम न्यूक्लियर फ्यूजन कहते हैं। सूर्य जैसे तारों में संलयन जैसी प्रक्रिया होती है, ये भी ध्यान दीजिएगा। सूर्य में जो घटना होती है वो किस पर आधारित है, ध्यान दीजिएगा नाभिकीय संलयन की प्रक्रिया पर आधारित है। और दो या दो से अधिक प्रोटॉन को एक साथ लाने के लिए अत्यधिक उच्च ऊर्जा की आवश्यकता होती है। ठीक है, संलयन से जो आपकी ऊर्जा प्राप्त होती है तो विखंडन से निकले वाली ऊर्जा से 3 से 4 गुना अधिक होती है, और इसका उदाहरण देखिए हाइड्रोजन बम होता है, ये चीज ध्यान दीजिएगा। हाइड्रोजन बम किस सिद्धांत पर आधारित है, ध्यान दीजिएगा नाभिकीय संलयन के सिद्धांत पर कार्य करता है ये। प्रथम परमाणु बम का निर्माण रॉबर्ट ओपेनहाइमर ने किया था 1945 में किया था, जो कि लिटिल बॉय फैट बॉय नाम से जापान पर गिराए गए थे। ठीक है, ये चीज आपको ध्यान देना है। ये ओपेनहाइमर अभी आपको पता ही होगा कि फिल्म भी आई थी, ठीक है, जिसको ऑस्कर भी मिला था। ठीक है, अब बात करते हैं परमाणु बम का पहली बार प्रयोग द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान, ये देखिए आप देख सकते हैं 6 अगस्त को 1945 में हिरोशिमा नगर में और 9 अगस्त 1945 को नागासाकी में। ठीक, अब हाइड्रोजन बम की देख लेते हैं बात थोड़ा सा हम, तो हाइड्रोजन बम का देखिए आविष्कार किसने किया था, एडवर्ड टेलर ने किया था 1952 में, और बस इतना ही आप ध्यान लीजिए। और ये ध्यान दीजिए नाभिकीय संलयन की प्रक्रिया पर होता है। ठीक है, अब देखिए ऑक्सीकरण और अपचयन को देख लेते हैं, तो ऑक्सीकरण किसी परमाणु अणु या आयन से इलेक्ट्रॉनों का निकलना, यानी इलेक्ट्रॉन निकलते हैं तो ये ऑक्सीकरण कहलाता है, ऑक्सीकरण यानी निकलना। ठीक है, नाम आप देख सकते हैं ऑक्सीकरण समझ में आ रहा होगा, अपचयन अंदर लेना एक प्रकार से, तो यहाँ पर देखिए इलेक्ट्रॉन निकलते हैं। ठीक, और आप देखिए अपचयन में क्या होता है, इलेक्ट्रॉन ग्रहण करने की प्रक्रिया अपचयन कहलाती है, ये चीज आपको ध्यान देना है। यहाँ पर आप देख सकते हैं ऑक्सीकरण अपचयन की संयुक्त प्रक्रिया क्या कहलाती है, ध्यान दीजिए ये क्या कहलाती है, तो रेडॉक्स रिएक्शन कहलाती है। ठीक है, आप लोगों ने इंटरमीडिएट साइंस एड्स रहे होंगे तो आपने जरूर यह पढ़ा होगा। अब देखिए बात करते हैं
आगे देखें, देखिए -273 डिग्री सेंटीग्रेड या 0 केल्विन को हम क्या कहते हैं, तो परम शून्य ताप कहते हैं। ये चीज़ आपको ध्यान देना है, इंपॉर्टेंट है, कई बार क्वेश्चन आ चुका है। देखिए बैरोमीटर में जब पारा जो होता है इसकी ऊंचाई 760 mm रहती है, तो वायुमंडलीय दाब को सामान्य दाब या 1 ATM कहते हैं, यानी 1 ATM यानी 1 वायुमंडलीय दाब बराबर क्या होता है, 760 mm होता है। ये चीज़ आपको ध्यान देना है। अब देखिए अम्ल क्षार लवण देख लेते हैं, एसिड बेस और साल्ट। तो देखिए अम्ल की बात पहले हम कर लेते हैं, तो देखिए ये वे पदार्थ जो जलीय विलयन में हाइड्रोजन प्लस आयन जो है, यानी आपका एच प्लस आयन जो है उत्पन्न करते हैं, तो उसे हम अम्ल कहते हैं। इसे आर्गेनियस का आयनिक सिद्धांत भी कहते हैं। इसका स्वाद खट्टा होता है। ये देखिए मिथाइल ऑरेंज व नीले लिटमस को लाल कर देता है। ये चीज आपको ध्यान देना है, ये नीले लिटमस को लाल कर देता है, कौन, अम्ल। ठीक, तो यहाँ से आप देखिए इधर भी लाल है, इल्ला है, तो ये लाल करता है नीले लिटमस को। ये चीज आपको ध्यान देना है। देखिए आपको याद होना चाहिए, चाहे आप जैसे भी याद करिए, ट्रिक से याद करिए, नॉर्मल याद करिए, वो आपकी समस्या है। हम लोग के जलीय विलयन जो है ये विद्युत के सुचालक होते हैं, क्योंकि इनमें एच प्लस आयन पाया जाता है, और इनका देखिए पीएच मान जो होता है 7 से कम होता है। ऐसे ऐसे पीएच स्केल है, तो यहाँ पर यदि यहाँ 7 होता है तो 7 के आप इस तरफ यानी 6 5 4 ऐसे आएंगे तो अम्ल आपका इधर बढ़ता जाएगा, 7 से आप दूर जाते जाएंगे 8 9 10 14 तक जाएंगे, तो इधर आपका क्षार जो है बढ़ता जाएगा। ठीक, अब देखिए क्षारक की बात करें, देख सकते हैं जलीय विलयन में जो OH माइनस आयन होता है तो वो देते हैं, तो उसे हम क्या कहते हैं, क्षार कहते हैं। इसे आर्गेनियस का आयनिक सिद्धांत कहते हैं। ठीक है, इनका स्वाद कड़वा होता है, ठीक, यानी कड़ू होता है। ये देखिए क्या करते हैं, तो फिनोक्तिलीन को गुलाबी, लाल लिटमस पेपर को नीला व मिथाइल ऑरेंज को पीला कर देते हैं। ये चीज आपको ध्यान देना है। इसमें लिटमस पेपर होता है तो उसे नीला कर देता है, लाल लिटमस को नीला कर देते हैं, और मिथाइल ऑरेंज को ये पीला कर देते हैं, और फिनाफ्थलीन को ये गुलाबी कर देते हैं। ठीक है, इनका पीएच मान 7 से अधिक होता है। पीएच वैल्यू की बात करो तो देख सकते हैं पीएच वैल्यू आपकी 0 से 14 के मध्य में होती है। इसकी खोज किसने की थी, तो ध्यान दीजिएगा ये सोरेनसन ने की थी। ठीक है, अब देखिए अम्ल व उनके प्राकृतिक स्रोत देख लेते हैं, मोस्ट इंपॉर्टेंट। ये आपके मिलान करने के क्वेश्चन अक्सर ही पूछे जाते हैं, चाहे आपका प्रीलिम्स का एग्जामिनेशन हो या आपका ROARO का। तो एस्टिकम आपके सिरका में पाया जाता है, बहुत ही महत्वपूर्ण है। स्कॉर्पिक अम्ल ध्यान दीजिएगा आंवला खट्टे फल प्याज में पाया जाता है, जिनमें टिक लगाऊ उन्हें जरूर ध्यान दीजिएगा। एस्टिकम सब वैसे तो इंपॉर्टेंट सबके सब, ठीक है। सिट्रिकम्ल आपके खट्टे फलों में पाया जाता है, संतरा नींबू और अन्य खट्टे फल। मैलेरिक अम्ल ध्यान दीजिएगा ये आपका सेब में पाया जाता है। टार्टरिक अम्ल ध्यान दीजिएगा ये इमली अंगूर कच्चा आम में पाया जाता है। ऑक्जेलिक अम्ल टमाटर पालक चने की पत्ती में। लैक्टिक अम्ल ये आपका दही में। मैथनोइक अम्ल व फार्मिक अम्ल तो ये चीकी में पाया जाता है। फास्फोरिक अम्ल ध्यान दीजिएगा कोको कोला में, और ब्यूटायरिक अम्ल ये आपका मक्खन में पाया जाता है। ये चीज आपको ध्यान देना है। अब देखिए साल्ट की बात कर लेते हैं, लवण की। देखिए अम्ल व क्षार की अभिक्रिया स्वरूप बनने वाले पदार्थ जो है लवण कहलाते हैं, यानी अम्ल प्लस क्षार जब दोनों मिलते हैं तो ये छाया यहाँ पर लवण बन जाता है। ठीक है, और ये प्रायः आपके ठोस होते हैं तथा इनका गलनांक और क्वथनांक ध्यान दीजिएगा ये उच्च होता है। ठीक है, गलनांक व क्वथनांक उच्च होता है। ये प्रायः देखिए जल में घुलनशील होते हैं और जलीय विलयन विद्युत का सुचालक होता है। ये चीज भी आपको ध्यान देना है। अब देखिए लवण और उनके अनुप्रयोग देख लेते हैं, ये भी इंपॉर्टेंट है आपके लिए। सोडियम क्लोराइड ये आपका देखिए नमक है नॉर्मल, इसका सोडियम हाइड्रोक्साइड ये आपका क्या है, तो कास्टिक सोडा है। सोडियम कार्बोनेट क्या है, तो ये धामन सोडा है। सोडियम बाइकार्बोनेट ये बेकिंग पाउडर ये आपका खाने में काम आता है। पोटेशियम नाइट्रेट की बात करें तो गन पाउडर या आतिशबाजी में आता है। ये चीज भी आपको ध्यान देना है। कॉपर सल्फेट की बात करें Cu4H5S2, देखिए कीटाणु नाशक या विद्युत लेपन में काम आता है। पोटास एलम या फिटकरी का सूत्र ध्यान दीजिएगा K2SO4 × Al2SO4 का होल थ्राइज × 24H2O है। ये देखिए खून बहने रोकने खून बहता है तो उसे रोकने के लिए काम आता है, चमड़े की रंगाई में भी काम आता है। अमोनियम क्लोराइड की बात करें तो NH4Cl, तो ये उर्वरक और कपड़ों की रंगाई के में काम आता है। अब देखिए इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में हम इंपॉर्टेंट फैक्ट्स देख लेते हैं जो आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट। देखिए मेंडलीव की आवर्त सारणी है, तो ये देखिए इसमें ध्यान दीजिएगा मेंडलीव की आवर्त सारणी में मुख्यता क्या है, तो ये तत्वों के भौतिक व रासायनिक गुण उनके परमाणु भारों के आवर्ती फलन होते हैं। ठीक है, इस आधार पर देखिए मेंडलीव ने क्या किया था कि उस समय 63 तत्वों को 7 आवर्त और 9 वर्गों में सारणीबद्ध किए थे। ये चीज आपको ध्यान देना है। अब देखिए मोजले की आधुनिक आवर्त सारणी की बात करें तो ये इंपॉर्टेंट है आपके लिए, तो ये वर्तमान में यही यूज हो रही है। ठीक है, ये चीज भी आपको ध्यान देना है। इसमें क्या है, तत्वों के भौतिक और रासायनिक गुण परमाणु संख्या के आवर्ती फलन होते हैं। देखिए मेंडलीव ने क्या किया था कि इसके भौतिक और रासायनिक गुण किसमें किसके आवर्ती फलन होते हैं, तो परमाणु भार के। जबकि मोजले ने क्या कहा था कि तत्वों के भौतिक एवं रासायनिक गुण ये
परमाणु क्रमांक के आवर्ती फलन होते हैं। ठीक है, अब देखिए इलेक्ट्रॉनिक विन्यास तत्वों के आधुनिक आवर्ती वर्गीकरण का जो है मूल आधार है, बेस यही है इलेक्ट्रॉनिक विन्यास। इस पे आपके 7 आवर्त हैं और आपके 18 जो है वर्ग हैं, 7 आवर्त और 18 वर्ग हैं। ठीक है, प्रत्येक आवर्त का प्रथम सदस्य आपका क्या है, तो ये क्षार धातु है और अंतिम सदस्य निष्क्रिय गैस है, ये चीज भी आपको ध्यान देना है। परमाणु संख्या देखिए ये भी इंपॉर्टेंट है, 58 से 71 और 90 से 103 के तत्वों को आवर्त सारणी के नीचे अलग से रखा गया है। 58 से 71 आपकी लैंथेनाइड श्रेणी कहलाती है, 90 से 103 ये एक्टिनाइड की श्रेणी कहलाती है। ठीक है, शून्य वर्ग के तत्वों को या हम 18 वर्ग के तत्वों को क्या कहते हैं, तो अक्रिय गैस या निष्क्रिय गैस से भी कहते हैं, हीलियम, नियान, आर्गन, क्रिप्टान, जेनान, रेडान ये आपके आते हैं। और यह वर्ग एक ए उपवर्ग की क्षार धातुओं में अत्यधिक विद्युत धनात्मकता पाई जाती है और 7B उपवर्ग में हैलोजन तत्वों के मध्य सेतु का कार्य करता है, ये चीज भी आपको ध्यान देना है। अब देखिए धातुओं की बात कर लेते हैं, धातु में मेटल ऐसे तत्व जो इलेक्ट्रॉन को त्याग कर धनायन बनने की प्रवृत्ति रखते हैं धातु कहलाते हैं। धातुएं जो होती हैं ये आघात वर्धनीय होती हैं, सोना व चांदी जो है सर्वाधिक आघात वर्ध होते हैं, ये चीज आपको ध्यान देना है, इम्पॉर्टेंट है। ठीक है, धातुएं जो है ये तन्य होती हैं और जिनमें जिनसे हम पतले तार खींचे जा सकते हैं, ये विद्युत व ऊष्मा के आपके संचालक होते हैं। और चांदी जो होता है वो सर्वोत्तम चालक होता है इसका, और सीसा जो है निम्नतम चालक होता है। ठीक है, कंडक्टर आपका सर्वाधिक अच्छा कौन सा होता है, तो चांदी और बैड कंडक्टर में सीसा है जो कि सबसे बैड कंडक्टर होता है। धातुएं कमरे के ताप पर ठोस होती हैं, इस पे अपवाद क्या है, तो पारा, गैलियम, सीजियम, ध्यान दीजिएगा कमरे के ताप पर ये द्रव अवस्था में पाई जाती है, ये चीज आपको ध्यान देना है। विभिन्न धातुओं के महत्वपूर्ण अयस्क देख लेते हैं, तो धातु आपके सोडियम के अयस्क कौन कौन से हैं, नमक, साधारण नमक NaCl, Na2CO3, सोडा अयस्क और चिली साल्ट पीकर, इसे आप छोड़ सकते हैं। क्रायोलाइट लाइट ध्यान दीजिएगा Na3, AlF6 और बोरेक्स का फार्मूला भी ध्यान दीजिएगा Na2B4O7 × 10H2O, इसे हम सुहागा भी कहते हैं। पोटेशियम की बात करें तो पोटेशियम में देखिए कार्नेलाइट ध्यान दीजिएगा एस इंपॉर्टेंट है, मैग्नीशियम, मैग्नेसाइट और डोलोमाइट पर्याप्त, इतना भी याद रखिए। कैल्शियम की आपके जिप्सम का फार्मूला याद रखिएगा CaSO4 × 2H2O, और यदि यहीं पर CaSO4 × 1/2H2O हो जाएगा तो आपका प्लास्टर ऑफ पेरिस बन जाता है। लाइम स्टोन का CaCO3 होता है। एल्यूमिनियम का मोस्ट इंपॉर्टेंट है बाक्साइट और डाइस्पोर ध्यान दीजिएगा। ठीक है, टिन का आपका छोड़ दीजिए, लेड का ध्यान दीजिएगा गैलेना इंपॉर्टेंट है, कॉपर का क्यूपराइट इंपॉर्टेंट है, सिल्वर का आपका अर्जेंटाइट नाम से ही पता चल रहा है और रूबी सिल्वर नाम से ही पता चल रहा है। आयरन को देखिए हेमेटाइट, लिमोनाइट और मैग्नेटाइट, सीडेराइट, ये सब आपके आयरन के ही होते हैं। ठीक है, अब आगे बात करते हैं, यहाँ पर देखिए सीडेराइट हो गया, पारा का सिनेबार इंपॉर्टेंट है, जिंक का जिंक ब्लेंड इंपॉर्टेंट है, यूरेनियम का पिंच ब्लेंड इंपॉर्टेंट है, थोरियम का मोनोजाइट इंपॉर्टेंट है, और इसके बाद बस इतना ही याद रखिए, बाकी आपको जरूरत नहीं है। लोहे पर जंग लगना तो ये इंपॉर्टेंट, कई बार क्वेश्चन आ चुका है ये संक्षारण, तो जंग लगना ध्यान दीजिएगा, ये तो एक पहली बात, तो ये एक रासायनिक परिवर्तन है और जंग लगने से लोहे के भार में वृद्धि होती है। कई बार क्वेश्चन आता है कि जंग लगने से लोहे के भार में कमी आती है या वृद्धि होती है, तो ध्यान दीजिएगा वृद्धि होती है लोहे के भार में। आयरन ऑक्साइड Fe2O3 लोहे में जंग लगने से बना पदार्थ है, यह भूरी परत के रूप में लोहे पर जम जाता है, लोहे के गैल्वेनाइज यानी उसमें जस्ता का कवर कर देने से जस्ते की परत चढ़ा देने पर जंग नहीं लगता है। ठीक है, सिल्वर क्लोराइड को ध्यान दीजिएगा हॉर्न सिल्वर कहा जाता है, जिसका उपयोग काहे में होता है, ध्यान दीजिएगा सिल्वर क्लोराइड का उपयोग काहे में होता है, तो फोटोक्रोमेटिक कांच के निर्माण में होता है, किसका, सिल्वर क्लोराइड का उपयोग। अब इसके बाद बात करें सिल्वर ब्रोमाइड की, बहुत ही इंपॉर्टेंट है ये, आपको फोटोग्राफी में यूज होता है, ये देखिए सीधे आपके मिलान करने में क्वेश्चन बन जाता है, ये चीज आपको ध्यान दीजिएगा। सिल्वर आयोडाइड का उपयोग कहे में होता है, सिल्वर आयोडाइड ये आपका कृत्रिम वर्षा में उपयोग होता है। सिल्वर नाइट्रेट की बात करें तो इसे हम लूनर कास्टिक कहते हैं, मतदान के समय जो आपकी उंगली पर निशान लगता है स्याही का, तो वो आपका सिल्वर नाइट्रेट का ही रहता है। चांदी के चम्मच से अंडा खाना वर्जित है, क्योंकि चांदी अंडे में उपस्थित गंधक से प्रतिक्रिया कर लेती है, जिससे काले रंग का सिल्वर सल्फाइड बनती है और चम्मच इससे नष्ट हो जाता है, ये चीज आपको ध्यान देना है। चांदी के चम्मच से अंडा खाना वर्जित है, ये चीज आपको ध्यान देना है। प्लेटिनम को हम क्या कहते हैं, तो सफेद सोना कहते हैं। सोने का निष्कर्षण मुख्यतः कहे से होता है, तो केल्वेराइट और सिल्वेनाइट अयस्क से होता है, ये चीज भी आपको ध्यान देना है। अब देखिए नोबेल गैसेज की बात कर लेते हैं, तो नोबेल गैसेज में शून्य वर्ग ये आपके या तो 18वें वर्ग में आते हैं, जिसमें हीलियम, नियान, आर्गन, क्रिप्टान, जेनान, रेडान आते हैं, अक्रिय गैस कहते हैं। अक्रिय गैसें ध्यान दीजिए न तो धनात्मक होती है ना आपकी विद्युत ऋणात्मक होती है। रेडान एक ऐसा रेडियोधर्मी उत्कृष्ट गैस है जो कि
प्रकृति में नहीं पाई जाती, ये चीज भी आपको ध्यान देना है। अक्रिय गैसों की खोज किसने की थी? लोकेयर, रेले और रैमजे महोदय ने की थी, ये चीज आपको ध्यान देना है। वायुमंडल में उपस्थित अक्रिय गैसों में सर्वाधिक मात्रा किसकी होती है? ये ध्यान दीजिएगा, आर्गन की होती है। वायु में भरे गुब्बारे में हाइड्रोजन की अपेक्षा हीलियम को वरीयता दी जाती है, क्योंकि हीलियम जो होता है वायु के साथ विस्फोटक मिश्रण नहीं बनाता है, क्योंकि ये उदासीन होते हैं, यानी अक्रिय गैसें होती हैं, ठीक है। गोताखोर जो है पानी के अंदर सांस लेने के लिए ऑक्सीजन के साथ हीलियम का मिश्रण है जो कि यूज करते हैं। दमा हुआ जो अन्य श्वास संबंधी बीमारियां होती हैं, इनके लिए रोगी जो होते हैं ये कृत्रिम श्वसन के लिए ऑक्सीजन या ऑक्सीजन और हीलियम का मिश्रण है जो कि प्रयोग करते हैं। ऑक्सीजन व हीलियम को 1:4 में मिला देने पर कृत्रिम श्वसन व गोताखोरों को दिया जाता है, कितना? 1:4 ऑक्सीजन और हीलियम का अनुपात, ठीक है। विद्युत मरकरी लैंप में आपके आर्गन को पारा और नियान के साथ मिलाकर अलग अलग आकर्षक रंग देने वाले बल्ब व ट्यूब जो है तैयार किए जाते हैं। ट्यूबलाइट में आपको देखिए आर्गन व पारे की वाष्प भरी जाती है, ठीक है, ट्यूबलाइट में। विद्युत बल्ब में आपका नाइट्रोजन व आर्गन गैस भरी होती है, विद्युत बल्ब में नाइट्रोजन या आर्गन। अब देखिए जल की बात करें तो एक तो आपका मृदु जल होता है और आपका एक कठोर जल होता है, ठीक है, सॉफ्ट वाटर हार्ड वाटर। सॉफ्ट वाटर क्या करता है? साबुन के साथ आसानी से झाग दे देता है, लेकिन आपका हार्ड वाटर साबुन के साथ झाग नहीं देता है, ठीक है। आप लोग सामान्यतः सामान्य जीवन में देखते होंगे आपका खारे पानी में अच्छे से झाग नहीं निकलता है, ठीक है। यह पीने योग्य होता है, लेकिन आपका ये जो है पीने योग्य नहीं होता, क्योंकि इसमें मैग्नीशियम व कैल्शियम के बाइकार्बोनेट, मोस्ट इंपॉर्टेंट ये चीज आपको ध्यान देना है, मैग्नीशियम और कैल्शियम के बाइकार्बोनेट, क्लोराइड व सल्फेट जो है लवण इनमें उपस्थित होते हैं। इनमें शारीरिक वृद्धि हो तो आवश्यक खनिज अल्प मात्रा में उपस्थित होते हैं। किसमें? सॉफ्ट वाटर की बात हो रही है। कठोर वाटर में ध्यान दीजिएगा मैग्नीशियम व कैल्शियम के बाइकार्बोनेट, क्लोराइड और सल्फेट पाए जाते हैं। अब देखिए जो हार्ड वाटर होता है इस पे आपका एक तो अस्थायी कठोरता होती है और एक होती है स्थायी कठोरता, ठीक है। तो अस्थायी कठोरता में ध्यान दीजिएगा कैल्शियम और मैग्नीशियम के बाइकार्बोनेट घुले होने के कारण जो उत्पन्न कठोरता होती है, इसमें क्या करते हैं तो जल को यदि उबाल लेते हैं तो ये समस्या दूर हो जाती है, यानी अस्थायी कठोरता दूर हो जाती है। लेकिन स्थायी कठोरता की बात करें तो कैल्शियम और मैग्नीशियम के सल्फेट अथवा क्लोराइड इसमें पाए जाते हैं, ठीक है। तो इनको दूर करने की मुख्य विधि कौन सी है? तो परम्यूटेट विधि है, ठीक है, ये चीज भी आपको ध्यान देना है। अब आगे इसमें एक सेकेंड, जल में सोडियम कार्बोनेट यानी Na2CO3 मिलाकर उबालने से इसकी कठोरता दूर हो जाती है, ठीक है। केतली में जल उबालने से उनके आंतरिक परत में सफेद रंग की परत जो जम जाती है, वो क्यों जम जाती है? तो ये कैल्शियम और मैग्नीशियम के कार्बोनेट्स के कारण जम जाती है, मैग्नीशियम और कैल्शियम के कार्बोनेट्स। जल का शुद्धिकरण पोटेशियम परमैंगनेट या क्लोरीन गैस या आपका पोटास एलन जिसे हम फिटकरी भी कहते हैं, इनके माध्यम से किया जा सकता है। अब देखिए अन्य महत्वपूर्ण तथ्य हम देख लेते हैं जो आपके एग्जाम के लिए महत्वपूर्ण है। तो आपका एक सेकेंड दोस्तों, फलों के रस के परिरक्षण के लिए सोडियम बेंजोनाइट का उपयोग किया जाता है, ये चीज आपको ध्यान देना। किडनी स्टोन रासायनिक दृष्टि से कैल्शियम ऑक्जलेट की होती है, ठीक है। और मोती जो होता है ये कैल्शियम कार्बोनेट से बना होता है, ध्यान दीजिएगा। सिगरेट के धुएं का जो प्रदूषक होता है कौन सा मुख्य होता है? तो कार्बन मोनोऑक्साइड और क्या होता है? निकोटीन होता है। कैल्शियम ऑक्जीक्लोराइड जो है इसको विरंजक चूर्ण भी कहते हैं, चीज भी आपको ध्यान देना। कार्बन मोनोऑक्साइड को दम घोटू गैस भी कहते हैं। रासायनिक रूप में सूखी बर्फ जो होती है वो आपका CO2 होती है, ठीक है, सूखी बर्फ। कैल्शियम फास्फेट का उपयोग टूथपेस्ट के निर्माण किया जाता है, ये चीज ध्यान दीजिएगा। कार्बन मोनोऑक्साइड जो होती है ये हीमोग्लोबिन से क्रिया करने पर ऑक्सीजन की तुलना में 250 गुना अधिक जो है प्रभावी होती है और ये बहुत ही खतरनाक होती है। जिंक फास्फाइड का उपयोग चूहा मार दवाओं में किया जाता है, जिंक फास्फाइड ध्यान दीजिएगा। मूत्रालयों के पास जो नाक में चुभने वाली गंध होती है ये मूत्र में उपस्थित आपके अमोनिया के कारण होती है। देखिए सीमेंट के बारे में देख लेते हैं, तो सीमेंट को देखिए सामान्यतः हम कैल्शियम सिलिकेट या कैल्शियम एल्यूमिनेट का मिश्रण होता है जो कि कैल्शियम ऑक्साइड, सिलिका, एल्मुना, फेरिक व मैग्नेटिक मैग्नीशियम ऑक्साइड आदि से निर्मित होता है। सीमेंट में जिप्सम का उपयोग सीमेंट को शीघ्र जमने से रोकने के लिए किया जाता है, जिप्सम का प्रयोग किया जाता है जिससे वो जल्दी जमे ना। पोर्टलैंड सीमेंट की खोज इंग्लैंड निवासी जोसेफ आस्पिडिन ने की थी, पोर्टलैंड सीमेंट
सीमेंट की, ये चीज भी आपको ध्यान देना है। अब देखिए कांच और उनके संघटक का और उपयोग देख लेते हैं। देखिए सोडा कांच जो होता है, इस पे संघटक तो हम छोड़ दीजिए, बस इनके आप उपयोग जरूर ध्यान दीजिएगा। सोडा कांच में आपके ट्यूबलाइट, बोतलें, दैनिक उपयोग के बर्तन बनते हैं। फ्लिंट कांच में ध्यान दीजिएगा, विद्युत बल्ब, कैमरा और दूरबीन के लेंस बनते हैं। क्रूक्स कांच कई बार आ चुका है, इसमें धूप के चश्मे और लेंस बनते हैं। और इसमें संघटक कौन कौन से होते हैं, तो सीरियम ऑक्साइड और सिलिका आपका होता है, ठीक है। क्राउन कांच इंपॉर्टेंट है, इसमें चश्मे के लेंस बनते हैं। इससे शीशा क्रिस्टल कांच से आपके महंगे कांच पात्र बनते हैं। देखिए फर्टिलाइजर की बात कर लेते हैं, उर्वरक की, तो सूर्य के प्रकाश व जल के अतिरिक्त पौधों की वृद्धि व विकास के लिए 16 आवश्यक पोषक तत्वों की जरूरत होती है। मुख्य पोषक तत्व तो नाइट्रोजन, फास्फोरस और पोटास होता है, जिसे हम एनपीके कहते हैं, ठीक है। द्वितीयक पोषक तत्व तो आपके कौन कौन से होते हैं, कैल्शियम, मैग्नीज और सल्फर होते हैं। सूक्ष्म पोषक तत्व तो में देखिए लोहा, मैग्नीज, कॉपर, जिंक, मॉलिब्डेनम, क्लोरीन और ब्रोमीन, ठीक है। अब इसको देखिए प्रमुख उर्वरक और उनके उपयोग अनुप्रयोग देख लेते हैं। तो देखिए नाइट्रोजन उर्वरक जो होते हैं, नाइट्रोजन की आपूर्ति के लिए होते हैं। अमोनियम सल्फेट नाइट्रोजन, नाइट्रोजन 20 से 23% तक करने के लिए, और मृदा पर अम्लीय प्रभाव के लिए। और आपके लिए क्या महत्वपूर्ण, बस इतना इससे ज़्यादा आपके लिए महत्वपूर्ण नहीं है। अब देखिए मिश्र धातु में मोस्ट इंपॉर्टेंट, ये भी आपको क्वेश्चन मिलान करने को डायरेक्ट बन जाता है। तो देखिए पीतल में ध्यान दीजिएगा, कापर और जिंक होता है। कापर 70% और 30% आपका जिंक होता है। इससे बर्तन, मूर्तियाँ और अन्य उपकरण बनते हैं। कांसा की बात करें तो इसमें देखिए कापर और टिन पाया जाता है, कापर और टिन कांसा में, ठीक है। बर्तन, मूर्तियों, सिक्के बनते हैं। टांका देखिए जो आपका शोल्डर, शोल्डरिंग की जाती है, जो मोबाइल वगैरह की करते हैं, तो इसमें देखिए पीबी और एसएन यानी आपका लेड और टिन पाया जाता है, धातुओं को जोड़ने और टांका लगाने के लिए। गन धातु जिसे हम गन मेटल कहते हैं, इंपॉर्टेंट है। कापर और टिन और जिंक पाया जाता है, बंदूक, तोप व गेयर बियरिंग के लिए। इसको देखिए बात करें तो कृत्रिम सोना में देखिए कापर और एल्युमिनियम पाया जाता है। आभूषण और मूर्तियों में प्रयोग होता है। जर्मन सिल्वर इंपॉर्टेंट, नाम में सिल्वर है लेकिन सिल्वर का यूज कहीं नहीं है। इस पर कापर होता है, जिंक होता है, निकिल होता है, बर्तन और मूर्तियां बनाने में। इसको देखिए ड्यूरा लुमिन ध्यान दीजिएगा, इसमें एल्युमिनियम होता है, कापर होता है, मैगनीज हुआ मैग्नीशियम होता है। यह वायुयान प्रेशर कुकर में प्रयोग होता है, ड्यूरा लुमिन। इसको देखिए स्टेनलेस स्टील इंपॉर्टेंट है, इसमें लोहा, क्रोमियम, निकेल और आपका कार्बन पाया जाता है, मोटर गाड़ी हुआ, बर्तन आदि बनाने में। अब देखिए पारे की बात करें तो पारे देखिए किसी अन्य धातु का मिश्रण जो है, पारे के साथ कोई भी अन्य धातु मिला देंगे तो वो अमलगम कहलाती है, ठीक है। पारा जो है लोहे के साथ अमलगम नहीं बनाती, ये चीज आपको ध्यान देना, इसलिए पारे को लोहे के पात्र में रखा जाता है, ठीक है। लोहे के पात्र में रखा जाता है क्योंकि ये लोहे के साथ क्रिया नहीं करता है और इसे हम अमलगम नहीं बना पाता है ये, ठीक है। अब देखिए कार्बनिक रसायन की बात कर लें, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की। देखिए सोडियम बेंजोएट जो होता है, ये अचार, मुरब्बा, चटनी व फलों के रस आदि खाद्य पदार्थों के परिरक्षण में प्रयोग आता है। बेंजोइक अम्ल ध्यान दीजिएगा, खाद्य पदार्थों के परिरक्षण में। इसके बाद देखिए टार्ट्रिक अम्ल, ये बेकिंग पाउडर के निर्माण में इसका प्रयोग होता है मुख्यतः। इसके बाद सिट्रिक अम्ल देखिए हमने बताया, अचार, मुरब्बा के परिरक्षण में। इसके बाद नेफ्थलीन, ये देखिए ये गोलियां जो होती हैं कपड़ों के बीच में रख दी जाती हैं, जिससे कीड़े नहीं आते हैं। अश्रु गैस आपका देखिए ये भीड़ को तितर बितर करने के लिए प्रयोग होता है। इसके बाद देखिए डीडीटी, तो ये कीटाणु नाशक के रूप में काम आता है। मरकैप्टन देखिए एलपीजी के रिसाओं का पता लगाने के लिए यानी गंध जो आती है उसके कारण। पोटेशियम परमैंगनेट, ये जीवाणु नाशी होती है। इसके बाद देखिए आगे बात करें तो पॉलीकार्बोनेट से ध्यान दीजिएगा, ये बुलेट प्रूफ ग्लास को बनाने के लिए प्रयोग होता है। और ऑक्जेलिक अम्ल आपका ये फोटोग्राफी में यूज होता है। एलेथ्रिन या पाइरेथ्रिन, ये मच्छर भगाने वाली दवा के दवा हुआ क्वाइल में आपका इसका प्रयोग होता है, ठीक है। अब देखिए विस्फोटक की बात कर ले तो देखिए पहले तो है आरडीएक्स, जिसे हम रिसर्च डिपार्टमेंट एक्सप्लोसिव इसका फुल नेम है। इसका रासायनिक नाम साइक्लोट्राई मिथाइलियन ट्राई नाइट्रामाइन है। इसे प्लास्टिक विस्फोटक भी कहते हैं। अन्य राष्ट्रों में इसके नाम अलग अलग हैं, जैसे यूएसए में साइक्लोनाइट है, जर्मनी में हेक्सोजन है, इटली में टी4 है और इसके खोजकर्ता हैनिंग थे। डायनामाइट की बात करते हैं, देखिए आविष्कारक ध्यान दीजिएगा अल्फ्रेड नोबेल है, ठीक है। यह नाइट्रोग्लिसरीन को किसी अक्रिय पदार्थ जैसे लकड़ी या लकड़ी के बुरादे या आपके कीजे लागूर में अवशोषित करके बनाया जाता है। वर्तमान में देखिए नाइट्रोग्लिसरीन की जगह सोडियम नाइट्रेट का उपयोग किया जाता है। अब देखिए टीएनटी हम ट्राई नाइट्रो टॉलुइन कहते हैं, ट्राई नाइट्रोग्लिसरीन को टीएनजी कहते हैं, ट्राई नाइट्रोफिनाल को टीएनपी कहते हैं। कार्डाइट इसे देखिए अल्फ्रेड नोबेल नहीं बनाया था। ये सब देखिए क्या है, ये सब एक्सप्लोजिव हैं। गन मेटल, इसमें पोटेशियम नाइट्राइड 75% और 15% चारकोल, 10% सल्फर आता है।
देखिए रसायन विज्ञान से संबंधित महत्वपूर्ण खोज देख लेते हैं। तो देखिए इलेक्ट्रॉन की खोज जे जे थॉमसन ने की इम्पोर्टेंट है, जिनमें टिक लगा वो बहुत ही इम्पोर्टेंट है। प्रोटॉन, रदरफोर्ड, न्यूट्रॉन, ध्यान दीजिएगा जेम्स चैडविक, ईटा पर नाचे, आप ऐसे याद कर लेंगे तो आपको आराम से इनके ध्यान में हो जाएंगे। पॉजिट्रॉन ध्यान दीजिएगा कार्ल एंडरसन, मेसॉन, यूकावा। परमाणु नाभिक, रदरफोर्ड इंपॉर्टेंट है। परमाणु सिद्धांत किसने दिया, तो जॉन डाल्टन ने दिया है। परमाणु क्रमांक खोजकर्ता कौन थे, तो मोजले थे, जिनकी वर्तमान में सारणी भी चलती है, आवर्त सारणी। क्वांटम सिद्धांत किसने दिया, तो प्लांक ने दिया। अनिश्चितता का नियम इंपॉर्टेंट है, हाइजेनबर्ग ने दिया। आधुनिक आवर्त सारणी आपके मोजले ने दिया। रेडियो सक्रियता ध्यान दीजिएगा हेनरी बैकरल से संबंधित है। परमाणु अष्टक नियम जो है ये न्यूलैंड से संबंधित है। द्रव्यमान ऊर्जा समीकरण ये आपका आइंस्टीन से संबंधित है। और सापेक्षता का सिद्धांत भी आइंस्टीन से संबंधित है। गैसों का विसरण नियम में ग्राहम से संबंधित है। पीएच मापक्रम ये सोरेनजन ने इसकी खोज की थी, जैसे कि मैंने आपको बताया भी था। रेडियम की खोज क्यूरी दंपत्ति ने की थी। थोरियम व उत्प्रेरक ये छोड़ सकते हैं। यूरेनियम आपके कैले प्रोथ के द्वारा खोज की गई थी। अब देखिए मुख्य रासायनिक पदार्थ और इसके व्यापारिक नाम देख लेते हैं। तो साधारण नमक तो इम्पोर्टेंट ही है, NaCl हो गया। बेकिंग सोडा अभी हमने देखा है, इस रिवीजन हो जाएगा एक प्रकार से, तो ये आपका सोडियम बाइकार्बोनेट। धावन सोडा का क्या हो जाएगा, सोडियम कार्बोनेट। कास्टिंग सोडा क्या हो जाएगा, NaOH सोडियम हाइड्रोक्साइड हो जाएगा। सुहागा बोरेक्स हो जाएगा। सोडा आयस ध्यान दीजिएगा सोडियम कार्बोनेट हो जाएगा। हाइपो क्या है, तो सोडियम थायोसल्फेट है। फिटकरी ये आपका पोटेशियम एल्युमिनियम सल्फेट है, फार्मूला जरूर इसका ध्यान दीजिएगा। इसको देखिए जिरंजक चूड़ का ब्लीचिंग पाउडर होता है, CaOCl2 होता है। चूने का पानी ध्यान दीजिएगा, जिसे हम बुझा हुआ चूना भी कहते हैं, तो यह कैल्शियम हाइड्रोक्साइड होता है। बिना बुझा चूना ध्यान दीजिएगा कैल्शियम ऑक्साइड होता है, CaO होता है। चूने का पत्थर कैल्शियम कार्बोनेट होता है, जिसे हम CaCO3 कहते हैं। संगमरमर में आपका कैल्शियम कार्बोनेट होता है, CaCO3। इसके बाद बात करें तो लाफिंग गैस ध्यान दीजिएगा N2O होता है इसका फार्मूला। जिप्सम जिसे हम लाफिंग गैस को हम नाइट्रस ऑक्साइड भी कहते हैं। जिप्सम देखिए Ca(SO4)2H2O होता है। प्लास्टर प्लास्टर ऑफ पेरिस क्या होता है, Ca(SO4)½H2O होता है प्लास्टर ऑफ पेरिस। इसको देखिए म्यूरेटिक अम्ल की बात करें तो हाइड्रोक्लोरिक ये आपका HCl हो गया, ठीक है। ऑयल ऑफ विट्रियल ये किसे कहते हैं, तो सांद्र H2SO4 होता है। अम्लराज में देखिए HNO3 और HCl होता है। HNO3 का 1 अनुपात होता है, HCl के 3 अनुपात होते हैं। शुष्क बर्फ की बात करें तो CO2 होता है इस पे। शुष्क बर्फ में भारी जल आपका ड्यूटेरियम ऑक्साइड होता है, ठीक है, भारी हाइड्रोजन ड्यूटेरियम। इसके बाद देखिए फॉस्जीन ये आपका कार्बोनिल क्लोराइड हो गया। इसके बाद बात करें सिरका, तो ये देखिए एसिटिक अम्ल हो गया। इसके बाद आपका मंड ये स्टार्च होता है। अंगूर का रस ये आपका ग्लूकोज। प्रियान तो देखिए डाई फ्लोरोमेथोन हो गया। यूरिया कार्बामाइड होता है, NH2CO NH2। क्लोरोफॉर्म ये आपका CHCl3 हो गया। इसके बाद MIC मिक की बात करें तो मिथाइल आइसोसाइनाइड CH3NCO। प्रमुख रोग और कारक देख लेते हो, तो रक्त कैंसर आपके बेंजीन के कारण होता है। इटाई इटाई रोग मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ये भी आपको मिलान करने को डायरेक्ट पूछ लेता है। इटाई इटाई कैडमियम की कमी से। मिनीमाता रोग ये पारा की कमी से। ब्लू बेबी सिंड्रोम ये ध्यान दीजिएगा नाइट्रेट की कमी से। ब्लैक फुट रोग ये आपका आर्सेनिक की कमी से होता है। विल्सन रोग ध्यान दीजिएगा तांबा की कमी से। और लौह लौह मैतर रोग जो होता है ये आयरन की कमी से हुआ। अब देखिए यहाँ से आपका जीव विज्ञान आ गया, तो इसे हम अगली वीडियो में कवर कर लेंगे। तो ये आपका देखिए रसायन विज्ञान के जो इम्पोर्टेंट फैक्ट्स हैं उन्हें हम देख लिए। इसलिए आप 1 से 2 बार अच्छे से रिविजन कर लेंगे तो आपकी चीज़ें अच्छी खासी तैयार हो जाएंगी, और आपके क्वेश्चन आएंगे तो आपके गलत होने के चांस ना के बराबर रहेंगे यदि आप अच्छे से रिवीजन किए होंगे। बाकी आपको वीडियो कैसी लगी है जरूर बताइए। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए दोस्तों धन्यवाद। जय हिंद।